सब्सक्राइब कीजिए सभी ज्ञान सीखते रहो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी नई नई ट्रिक और ज्ञान सबसे पहले सीखते रहने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने मोबाइल के घड़ी में अपना फोटो कैसे लगाएं। जैसा कि देख सकते हैं मेरे मोबाइल के घड़ी में मेरे चैनल का फोटो लगा हुआ। आप चाहे तो अपने मोबाइल के घड़ी में अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं या किसी का भी फोटो लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस ऐप का सारा सेटिंग समझ लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको इस ऐप का सारा सेटिंग बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप का नाम क्या है और इसको कहां से इंस्टॉल करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको इस ऐप को ओपन करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सबसे फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फोटो क्लॉक, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो देख लीजिए, मैंने कर दिया हूं। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से घड़ी आ जाएगा और फोटो आ जाएगा। तो ये फोटो नहीं आएगा, ये मैंने लगा रखा हूँ इसलिए आ रहा है। तो आपके सामने एक फोटो आएगा, अगर जो वो फोटो आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपना कोई फोटो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो, तो कोने के साइड में, तो फोटो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद देख लीजिए, आपके सामने गैलरी और कैमरा दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने गैलरी से या कैमरे से कोई फोटो लेके भी लगा सकते हैं। तो हम गैलरी से लगाना चाहते हैं तो गैलरी पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद देख लीजिए हम गैलरी से कोई फोटो ले लेते हैं। तो ये वाला फोटो हम ले लेते हैं। तो देख लीजिए, ये फोटो आ गया घड़ी में। अब इस फोटो को अपने दोनों अंगुली से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो बड़ा छोटा आप कर सकते हैं और उसके बाद आप इस फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से फोटो आ जाएगा और सेकंड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लॉक। तो क्लॉक के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख लीजिए बहुत सारा घड़ी आ जाता है। तो यहाँ से आप अपना क्लॉक चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी घड़ी अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा घड़ी मिल जाता है। तो देख लीजिए, ये वाला जैसे हमें अच्छा लगा है तो ये वाला हम लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से आप अपना घड़ी चेंज कर सकते हैं। हाँ, BGS एक थर्ड में ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपना कलर देख लीजिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आपको फोर्थ में एक ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप अपना कोई टेक्स्ट इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, हम अपना इसमें नाम डालते हैं। तो देख लीजिए, इसमें हम अपना कोई टेक्स्ट डाल दिया। यहाँ से आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए इस तरह से कर सकते हैं। अगर जो आप अपना टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये वाला मैंने कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप इसको सेट करना चाहते हैं तो ऊपर के साइड कोने में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई। तो अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो देख लीजिए, हम अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मेरा नाम आ चुका है। आप इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फाइव्थ में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग। तो सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप इसमें कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर जो इस फोटो को आपको सेव करना है तो यहाँ सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके गैलरी में फोटो ये सेव हो जाएगा। तो अगर जो आपको आपको इसको सेट करना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेट वॉलपेपर। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ऊपर के साइड में देख लीजिए सेट वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद देख लीजिए अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए, उसके बाद ये घड़ी में आपका फोटो सेट हो जाएगा। तो देख लीजिए, मेरे घड़ी में पहले मेरे चैनल का फोटो था और घड़ी भी दूसरा था, लेकिन अब मेरा घड़ी भी चेंज हो गया और घड़ी का फोटो भी चेंज हो गया क्योंकि मैंने फोटो चेंज किया हूं। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं अपने घड़ी में अपना खुद का फोटो सेट। तो उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। मैं आपको बताता हूं कि उस ऐप का नाम क्या है और उसको कहां से इंस्टॉल करना है। तो यार, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छा ट्रिक बताया हूं, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कहाँ से इंस्टॉल करना है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और प्ले स्टोर के सर्च बार में लिखना होगा क्लॉक फोटो एडिटर, और उसके बाद आपको सर्च कर देना होगा। तो ये ऐप आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना होगा। मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। या आप इस ऐप को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो